हेलो, मैं वेंकटेश्वरन अय्यर, प्यार से लोग मुझे वेंकट भी बोला करते हैं। मैं 1966 में बॉर्न हुआ हूँ और मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैं सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। पहले मुंबई की IBM में प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर सॉफ्टवेयर के लिए काम करता था, लेकिन बाद में 17 सालों के बाद मैं अपने गांव महाराष्ट्र में जो है वहाँ पे आ गया और एक किसान की लाइफ जीने लग गया। आज जो आप लेसन पढ़ने जा रहे हैं, कॉल ऑफ द सॉइल, मेरी ही बुक जो है मूंग ओवर माइक्रोचिप, इस बुक में से लिया गया है। और इस बुक में मेरी जो लाइफस्टाइल जो चेंज हो गई है, एक टेक्निक फिर से लिखे, मैं कैसे फार्मर की जिंदगी जीने लग गया हूँ 15-16 इयर्स के बीच में और उसके बाद में, तो ये सब है। और मैंने मेरे इस करियर में, मतलब फार्मिंग के करियर में, मैंने ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, उसके ऊपर बहुत जोर दिया है और मैंने उसी के लिए आगे काम भी किया है। उसके लिए लेक्चर स्पीचेस मैंने ऑर्गेनाइज किए, मैं लोगों को देता हूँ और ऑर्गेनाइज फार्मिंग कैसे करनी चाहिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। आज हम शुरू करते हैं द कॉल ऑफ द सॉइल लेसन के लिए। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और बहुत सारे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों। अरे नमस्ते वेंकट बाबू, कैसे शहर से कैसे आना किया? कितने दिन की छुट्टी पे आए हैं वेंकट बाबू? नमस्ते मोरू दादा, मैं तो इस बार छुट्टी पे नहीं आया हूँ, मैं इस बार यहीं पे पेट में ही अब रहने आ गया हूँ। सोचा बहुत हो गई टेक्नोलॉजी, अब थोड़ा गांव में ही रह के गांव की जैसे जिंदगी जीऊँ, आराम से सीधी साधी, बिना मशीन और बिना पोल्यूशन की। अरे वेंकट बेटा, पर यहाँ करोगे क्या? गांव में रखा ही क्या है बेटा? अरे मोरू दादा, वही जो मेरे बाबा के बाबा किया करते थे वही करूंगा। वेंकट, इसका मतलब तुम खेती करना चाहते हो? देखो, इतना आसान नहीं होता है खेती करना। सुनो, टेक्नोलॉजी, आराम से मशीन चलाना, एक बटन दबाते ही काम हो जाना, इतना आसान नहीं है बेटा खेती करना। बटन दबाने की फसल नहीं उगती है और मशीन से तो बिल्कुल नहीं उगती है। उसके लिए पूरा साल भर मेहनत करना पड़ता है, तब जाके खेती होती है, तब जाके फसल उगती है बेटा। हाँ मोरू दादा, मुझे बिल्कुल वही तो करना है, मुझे खेती करनी है। पर प्रॉब्लम ये है कि खेती तो नहीं है, और उसके लिए अब मुझे पूरा गांव में कोई खेती बेचने वाला, कोई खेती किराए से देने वाला अगर होगा तो ढूंढना पड़ेगा। इस मोरू दादा के होते हुए ये बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें जमीन अच्छी खासी दिला दूंगा, बस तुम पैसे रेडी रखो और कुछ भी नहीं। वेंकट, तुम कल चले आना, हम जमीन देखने चले जाएंगे। है मेरी नजर में एक दो जगह पे बहुत अच्छी जमीन है, देख लो, जो पसंद आए वो पैसे देके ले लेना। हाँ मोरू दादा, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही होगा। तो मिलते हैं फिर कल, चलो मुझे भी काम है। मोरू दादा, ये जमीन तो बहुत अच्छी है, आपके कारण ही ये जमीन मुझे मिलने में बहुत आसानी हुई, अब यहाँ पे खेती करेंगे, आपकी मदद होगी तो बहुत बढ़िया होगा। तुम्हें कोई भी मदद की, कोई सलाह की जरूरत पड़ी तो मोरू दादा हमेशा तुम्हारे साथ है, कुछ भी पूछ लेना।
अरे वेंकट बेटा, खेती तो ले ली, अब खेती में क्या कौन सी फसल उगाओगी इसके बारे में कुछ सोचा भी क्या? नहीं। हाँ मोरू दादा, उसी के लिए थोड़ी पढ़ाई हो रही है, बुक में से थोड़ा सा पहले रीड कर लूं, थोड़ी सी जानकारी ले लूं, और फिर अब वो जमीन ले ही ली है तो उसके ऊपर जो फसल उगानी है उसके बारे में पूरी जानकारी तो होना जरूरी होता है ना। अरे वेंकट, ऐसे बुक पढ़ के कोई फसल उगा सकता है क्या, खेती कर सकता है क्या? मेरी मानो, मूंग की दाल पता है ना, वो मूंग की फसल उगाओ और सूरत जाओ, सूरत में बहुत अच्छे सीड मिलते हैं, वहां से अगर सीड्स लेके आओगी और वो सीड्स अगर तुम्हारे खेती में अच्छे से तुमने डाल दिए तो देखो कैसे फसल आएगी, और फिर बोलोगे मोरू दादा सबकी मदद करने वाला, जरूर तुम्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा। मेहनत करो बेटा और सूरज जाके एक बार लेके आओ मूंग की दाल की सीड। हाँ हाँ जरूर, वैसे मुझे तो मेरी खेती में चावल उगाना था, लेकिन अब आप बोल रहे हैं मूंग की दाल के बारे में, मूंग अच्छा ठीक है सूरत में मिलता है तो मैं कल ही सूरत चला जाता हूँ और वहां से अच्छी खासी सीड मिलती है, वहां से मैं लेके आता हूँ। धन्यवाद मोरू दादा। मोरू दादा, आपने जैसे बोला था मैं सूरत से मूंग की सीड्स तो लेके आया हूँ। हाँ वेंकट, कोई बात नहीं है, अगर तुम सीड लेके आए हो तो ये खेत जो है इसे अब अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए, तुम्हें तो कोई जानकारी नहीं है, मैं कल ही खेत में ट्रैक्टर भेज देता हूँ, लेकिन उसका किराया तुमको देना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं मोरू दादा, उसमें क्या है, आपने मेरे लिए इतना बड़ा ट्रैक्टर ढूंढने का भी काम कर दिया, किराया की क्या बात है, मैं अभी अभी दे दूँ क्या? अरे मुझे नहीं, जिसका ट्रैक्टर होगा उसी से किराया पूछ के उसी को दे देना। मोरू दादा ये देखो मूंग की सीड में से दो दो तीन पत्ते आगे है, सीड सब अच्छी निकली है। मोरू दादा आपको पता है जब मैं मुंबई में विले पार्ले में जब पहली बार मैंने हिबिस्कस के जो पेड़ लगाया था उसको पहली बार जब पत्ते आए थे फूल आए थे तब मैं जितनी खुशी मुझे तब हुई थी आज मुझे उतनी ही खुशी हो रही है, और ये सब मोरू दादा आपके कारण ही हुआ है, आपने मुझे बहुत बहुत मदद की और आगे भी आप मदद करोगे ना? हाँ हाँ वेंकट बिल्कुल, मुझे भी तुम्हारी तरह उतनी खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम सफलता पा रहे हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अरे तुम्हारे जैसे शहरों से लोग अगर खेती करने के लिए गांव में आ जाएंगे तो गांव का कोई भी जवान खेती छोड़ के शहरों में नहीं जाएगा बेटा। देखो लेकिन अब वेंकट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये मूंग की जो फसल उग रही है इससे कीड़े ना लगे, कीड़े ना खाए, इसलिए तुम्हें केमिकल वाला जो स्प्रे मिलता है बाजार में वो लेके आओ और इसके ऊपर एक बार दो बार फवारा मार दो, छिड़क दो, तो कीटाणु नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे और फसल अच्छे से उग जाएगी, जो मूंग की फली निकलेगी वो भी दानेदार निकलेगी, बहुत बढ़िया निकलेगी बेटा, इसके लिए केमिकल्स यूज करना पड़ेगा। नहीं मोरू दादा, मैं यहाँ पे जैसे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, ये सब लोग जैसे पारंपरिक पद्धति से ये कोई केमिकल नहीं यूज करते थे, कोई फवारा नहीं मारते थे, कोई फर्टिलाइजर, कोई भी केमिकल नहीं यूज करते थे, तो वैसे ही खेती मुझे करना है, भले ही कम फसल आए मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैं केमिकल यूज नहीं करूंगा। ये तो वही बात हो गई, अपने ही हाथों से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। देखो वेंकट मैं बता रहा हूँ, तुम पहली बार खेती कर रहे हो, वो जमाना चला गया दादाजी, और बात तुम्हारे पिताजी के जमाने की बात अलग थी, अब हवा में इतना पोल्यूशन फैल गया है कि अब तुम्हें केमिकल यूज करना ही पड़ेगा, और मेरी मानो और जल्दी से जल्दी फवारे लेके आओ और डाल दो बेटा। सुनो नहीं मोरू दादा, मैंने आपसे पहले भी बोल दिया था,
जो होगा देखा जाएगा, लेकिन नो केमिकल ऑर्गेनिक खेती जैसे मेरे दादाजी परदादाजी किया करते थे वैसे ही। मोरू दादा फसल बहुत अच्छे से उग गई है और आपको बिलीव भी नहीं होगा, मुझे 300 किलो मूंग की फसल उगी है और वो भी अच्छे से 300 किलो की मूंग दाल रेडी हो गई है, मूंग मिल गए हैं बिना केमिकल यूज किए ऑर्गेनिक तरीके से जैसे मेरे दादाजी उनके दादाजी किया करते थे। मेरी मानो मोरू दादा आप भी ये केमिकल के फवारों में मत फंसो, ये फर्टिलाइजर कुछ काम का नहीं है। देखो वेंकट, तुम्हें जो तुम देसी सीड के बारे में मुझे पूछ रहे हो, मेरे ज्ञान से तो एक ही मुझे सीड अभी याद आ रहा है और वो है कसबाई करके। तो वो कसबाई के लिए तुम्हें बहुत खोज करनी पड़ेगी, वो बासमती के जैसे है, लंबा ही है और उसका एरोमा है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है। हाँ मैंने भी सुना है उसके बारे में, ये कहाँ मिलेगा क्या आप बता सकती है? मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन इसकी जानकारी तुम्हें कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले कोई ऑफिसर ही बता सकता है कि वो कहाँ पे कैसे मिलते हैं। देखिए मेरी जानकारी में से तो मुझे हाइब्रिड राइस सीड के बारे में बहुत सारा पता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये कसबाई करके ये सीड मैंने तो आज ही सुन लिया है। मैं बहुत सारे सीड्स फार्मर से लेता हूँ, लेकिन आज तक तो और बहुत लोगों की किसान लोगों के खेतों में मैंने जाके देखा भी है, किसी के मुँह से ये वाला शब्द नहीं सुना है। शायद से आपको गलतफहमी हो गई है, फिर भी आपकी जो भी करना है वो आपकी जी, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे वाला कोई भी सीड यहाँ पे तो नहीं है। देखो वेंकट, मुझे तो लग रहा है कि तुम जो पास वाला जो गांव है आदिवासी महामंडल है वहाँ पे जाके जो देवा हंदा करके जो आदमी है उसके पास जाके, वो सरपंच है वहाँ पे जाके तुम इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। टाइम वेस्ट मत करो और उस देव हंदा को जाके मिलो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज भी ऐसे कोई जवान है कि जिन्हें ये कसबाई के बारे में, ये राइस के सीड के बारे में जानने की, उसको अपने खेत में उगाने के लिए इतनी दूर तक इतनी भागा दौड़ी करने वाला आदमी तो मैंने पहली बार देखा है बेटा। लेकिन मेरे पास तो वो सीड नहीं है, लेकिन हाँ एक काम कर सकता हूँ कि जो यहाँ से बहुत दूर लेकिन वहाँ पे तुम्हें सीड जरूर मिल जाएंगे, आसावरी करके एक गांव है मतलब वो थोड़ा पहाड़ों वाला आदिवासी लोगों का एरिया है, वहाँ पे तुम्हें वो सीड जरूर मिल जाएंगे बेटा, तुम जाके देखो। हाँ बेटा मेरे पास तुम्हें जो कसबाई सीड चाहिए वो है, तुम्हें लेना है, कितना लेना है मैं अभी बास्केट भर के मैं लाके देती हूँ। दादी माँ ये लीजिए, 100 रुपए ही है, लेकिन मैं बहुत दिनों से दूर दूर तक इसके लिए ढूंढता रहा और मुझे पता नहीं था कि ऐसे यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये सीड। अब मैं आपको वचन देता हूँ कि इस सीड को मैं खोने नहीं दूंगा, ये 100 रुपीज रख लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह मैंने जो मेरी राइस की खेती मुझे करना था वो मैंने कर लिया और उसमें भी मैंने हाइब्रिड कोई भी फर्टिलाइजर कोई भी केमिकल न यूज़ करते हुए मैंने देसी सीड से देसी तरीके से पारंपरिक ऑर्गेनिक जो फार्मिंग थी वो की करता रहूँगा और लोगों को भी करने के लिए बोलूँगा, आप भी कीजिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका मतलब लास्ट तक देखा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपसे बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ।